बेल तरोड़ी पुलिस स्टेशन अंतर्गत नरेंद्र नगर परिसर में करीब 25 वाहनों की तोड़फोड़ और एक वाहन को आग लगाने के मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में रितेश उर्फ जगन्नाथ डेकाटे, चिराग दीपक धुलकर व अभी सुरेश तायवाड़े का समावेश है। गुरुवार की सुबह एक्टिवा पर ट्रिपल सीट सवार गुंडों ने परिसर में कोहराम मचाया था। एक एक करीब 25 वाहनों के कांच फोड़े थे। पुलिस को तीनों सीसीटीवी कैमरे में नजर आए, जिसके बाद सिर्फ 10 घंटे के भीतर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार आरोपियों ने सबसे पहले प्लॉट नंबर 8 बोरकुटी लेआउट नरेंद्र नगर निवासी सुनील राउत की कार को निशाना बनाया। सुनील की कार घर के कंपाउंड के सामने खड़ी थी। आरोपियों ने कार को आग लगाई। उस समय चौकीदार मौजूद था, किंतु चौकीदार जब तक पहुंचते तब तक आरोपियों ने कार को आग के हवाले कर दिया। जब सुनील को पता चला तो वह तत्काल घर के बाहर आए और पानी से आग बुझा ली। इस दौरान पड़ोसियों ने बताया कि एक एक्टिवा पर 3 लोग पहुंचे थे और सामने के अपार्टमेंट में रखी बाइक से पेट्रोल निकाला। इसके बाद पेट्रोल छिड़क कर कार को आग के हवाले कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी कैमरे की जांच की तो उन्हें 3 युवक एक्टिवा पर सवार होकर जाते नजर आए, जिसके बाद उनकी तलाश शुरू हुई। मिली जानकारी के अनुसार म्हाड़ा कॉलोनी नरेंद्र नगर निवासी विक्की का जन्मदिन था। उसका मित्र चिराग धुलकर, जो कि मेट्रो में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में सोनेगांव परिसर में उज्जवल नगर में ड्यूटी पर है। आरोपी 85 प्लॉट निवासी रितेश, एम्प्रेस मॉल सोसाइटी सुयोग नगर निवासी चिराग और साई कृपा सोसाइटी साई मंदिर के समीप निवासी अभीश ने विक्की के सिक्योरिटी रूम में जन्मदिन मनाया। वहां पर शराब का सेवन करने के बाद ट्रिपल सीट सवार होकर निकले और परिसर की गाड़ियों के कांच फोड़े। साथ ही सामने के अपार्टमेंट के पार्किंग में खड़े एक बाइक से पेट्रोल निकालकर कार को आग लगाई और कई गाड़ियों की तोड़फोड़ भी की। बेलतरोड़ी पुलिस ने केवल 10 घंटे में ही आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। आरोपियों के पास से इस्तेमाल वाहन के साथ ही तीनों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई अपर पुलिस आयुक्त दिलीप झलके के मार्गदर्शन में की गई है। दिनांक 29 पुलिस बेलतरोड़ी के हद्दीत 20 गाड़ियों तोड़फोड़ करती होती। एक गाड़ी जाती होती सकाळी 4:15 ते 4:30 ची घटना होती। तसेच पोलीस स्टेशन अजनीच्या हद्दीत 4 गाड्या तोडफोड करण्यात आल्या होत्या। त्याच्यावरून आम्हाला माहिती मिळाल्यानंतर आम्ही त्वरित घटनास्थळी गेलो। घटनास्थळी जाऊन तिथले फुटेज मिळवले। सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये एका आरोपीचा चेहरा आम्हाला म्हणजे क्लिअर दिसला। त्याच्यामुळे आम्ही त्याच्यावरून संपूर्ण एरियात चौकशी केली, अजनी भागात चौकशी केली। त्याच्यावरून आम्ही कालच म्हणजे 29 तारखेला चिराग फुलकर व 19 वर्ष, अविश तायवाळे व 19 वर्ष, तसेच रितेश डेकाटे व 19 वर्ष या तिघांना ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता त्यांनी गुन्हा कबूल केला। त्यांना अटक करण्यात आलेल्या, त्यांना आज आम्ही कोर्टात हजर करत आहेत। त्यांनी काल दारूच्या नशेत मित्राचा वाढदिवस साजरा केला, दारू पिल्यानंतर त्यांच्या नशेत त्यांनी हे कृत्य केलेलं आहे। त्याच्यावरून त्यांना अटक करण्यात आलेली आहे आणि पुढील तपास सुरू आहे। त्यातील रितेश डेकाटे जो आहे त्याच्यावर 2 गुन्हे दाखल आहेत। आधी पोलीस स्टेशन अजनीच्या हद्दीत राहतो। कॅमेरा पर्सन वीरेंद्र खोब्रागडे के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, TeamBCN News, नागपूर।